हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्लाइकॉल 12 क्रीम के बारे में। दोस्तों, ग्लाइकॉल 12 क्रीम के इस्तेमाल करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, इस क्रीम के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, और कितनी मात्रा में ग्लाइकॉल 12 क्रीम को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, ग्लाइकॉल 12 क्रीम की बात करें तो इसको माइक्रो लैब्स फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड 12% पेड बाय बेड इस क्रीम के अंदर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, प्राइस की बात करें तो 296 रुपीज़ में 30 ग्राम के पैकेजिंग में ग्लाइकॉल 12 क्रीम आती है। दोस्तों, इसका जो प्राइस है समय के हिसाब से इंक्रीज़ होता रहता है, इस समय जो इसका प्राइस है वो इधर मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, इस क्रीम का जो इस्तेमाल किया जाता है, यदि आपके चेहरे पर एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, तो उसको दूर करने के लिए इस ग्लाइकॉल 12 क्रीम को दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, आपके चेहरे पर यदि डार्क स्पॉट हो जाते हैं तो उसको दूर करने के लिए दिया जाता है। ब्रंकल को दूर करने के लिए इसको दिया जाता है। आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं तो झुर्रियों को दूर करने के लिए भी इस क्रीम को दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, इस क्रीम को पिगमेंटेशन में दिया जाता है, ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाती है, चमकदार बनाती है। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ जिनके चेहरों पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो दोस्तों झुर्रियों को कम करने के लिए इस क्रीम का बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। दोस्तों, आपके चेहरे पर झुर्रियों की समस्या है, आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हो गई हैं, तो उसको दूर करने के लिए आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, इस क्रीम को डार्क स्पॉट में बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है इस क्रीम का। दोस्तों, इसके इस्तेमाल की बात करें, इस क्रीम का जो इस्तेमाल किया जाता है, दिन में 2 बार सुबह और शाम इस क्रीम को इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आप इस क्रीम का इस्तेमाल करने से पहले अपने चेहरे को आप किसी भी मेडिकेटेड सोप से उससे अच्छे से धो लें, उसके बाद ही इस क्रीम को लगाएं। दोस्तों, अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर के एडवाइस पर ही करें, अननेसेसरी इस क्रीम का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसके इस्तेमाल करने से कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, हल्की जलन हो सकती है स्किन पर, स्किन छिल सकती है। इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो इस्तेमाल करने से किसी किसी में देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।